मेरी मम्मी कैमरा मैन है कुछ एनिमे देखना है तो एक सजेस्ट करता हूँ मैं। हरे कृष्णा दोस्तों, सो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में क्या लाने के लिए, बीटरूट और गाजर और आंवला हुआ तो आंवला आंवला जो कहते हैं लोग, और वो लाकर मैं जूस बनाने वाला हूँ क्योंकि इतने दिनों में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी हेल्थ, जिसकी वजह से ना तो मैं वीडियोस बना पा रहा था ना कुछ, शायद महीना भर तो हो ही गया होगा कि लास्ट वीडियो जो डाला था मैं सोचा था कि ठीक हो जाऊँगा अभी, लेकिन ठीक हुआ नहीं मैं। तो आज मैंने कल ही मैंने सोचा कि बस हो गया, बहुत हो गया वीकनेस वाला नाटक और आज से वीडियो बनाना चालू, तो बना दे कैमरा उठा लिया और चल गए। अभी बनाऊँगा जूस पीऊँगा कि पेट पूरा खाली है। मैंने जैसे पहला मेरा था दिनचर्या डेली रूटीन, वैसे ही सब कुछ वापस करूँगा और थोड़ा ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करूँगा उसको। सुबह सुबह उठ के बीटरूट का जूस जो घर पर बनाया हुआ, बाहर जाके पीना मतलब बोले तो कहते ना ज़्यादा पैसा, उतने पैसे में मैं 3-4 बार जूस पी लूँगा। तो बुला के रखता हूँ घर पे सब कुछ, हर रोज़ ताज़ा ताज़ा मस्त पियेंगे, तुम लोग भी पियो, मतलब पियेंगे मतलब ये बोल रहा था मैं, तुम लोग भी पियो, तुम लोग भी थोड़ा इन्जॉय करो और डाइजेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं ना पेट साफ तो सब साफ और सब हेल्थ हर जगह पे, मतलब पूरे बॉडी आपका जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, हर चीज़ अच्छी रहेगी। तो और हाँ, मैंने बाल कटा लिए, बड़े बाल जो थे वो मैंने बोला शायद इसके वजह से ही, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि बालों में एनर्जी होती है, शक्ति होती है, तो बाल जितने बड़े रहेंगे उतना आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अभी लड़कियों का क्या है, उनको क्या आदत है, उनको बताया गया है कैसे रहना है कैसे नहीं। आपने देखा होगा रात को लड़कियों को जो है बाहर खुले बाल रखना अलाउड नहीं है, अलाउड इसलिए नहीं क्योंकि खुले बाल रहते हैं तो फिर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी उनको अट्रैक्ट हो जाती है, तो वो ना हो इसके लिए। अब मेरे बाल खुले थे, बड़े थे, तो क्या होता था हवा वगैरह कुछ आया या ऐसा कुछ हुआ तो जब बाल लहराते तो आपके अंदर से एनर्जी जो है ना वो निकलने लगती है, हवा की वजह से बहुत सारी चीज़ें उससे नज़र वज़र भी लगती है, तो मेरे तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो अब मैंने सोच लिया कि अभी बाल नहीं बढ़ाऊँगा, तब बढ़ाऊँगा जब उसका ख्याल मैं रख सकता हूँ अच्छे से कि बहुत बढ़ा लिए तो बस हो गया अब नहीं। तो अभी जाते हैं बीटरूट का जूस लेते, मतलब बीटरूट का जूस बोलो बीटरूट वगैरह सब लेते और घर पर आएंगे। इसकी आदत सबसे कम डालो, ये आके बॉडी का इतना ऐसा खिलवाड़ करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो कितने भी स्टार वाला हो या कुछ भी हो, कितना ही महंगा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये यूज़ करना नहीं चाहिए ज़्यादातर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो ठीक है, लेकिन जितना हो सके इसको इग्नोर करो। पंखा है नॉर्मल, हवा चल रही इतनी अच्छी, हाँ उसका इंजॉय करो जितना हो सके नेचुरल। लो मैं जल्दी उठाऊँ, मैं सोचा कि खुला रहेगा दुकान, लेकिन खुला नहीं, अंकल अभी तक आए नहीं है सब्ज़ी वाले, शायद सब्ज़ी वब्जी लेने के लिए गए। अरे यहाँ पे देखो सब्ज़ी लाना चालू है, वो भी भाई सब्ज़ी लेकर आए, लेकिन ये अंकल नहीं आए अभी तक। चलो फिर अभी घर पे जाते हैं, तो सब्ज़ी मिला नहीं, 9:30 बोल रहे और अभी बज रहे 7:30 है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी घर पे जाए और क्या, और कुछ नहीं सकता। ये जूस बनने वाला है कि नहीं, कोई बात नहीं, आज ऐसा कर लो फिर कल जाके बाहर ही पी लूँगा, हो गया लेकिन ये पीसा नहीं ना, कोई बात नहीं सुखा लूँगा। मिल गया, वैसे आ रहा था तो भी एक छोटा दुकान था जो कि आज बंद होने वाला है, दुखद बात है उनके लिए कि उन्होंने बोला आज लास्ट दिन है भैया, मेला अच्छा तो ठीक है बीटरूट वीटरूट दे दो, फिर सिर्फ आंवला नहीं मिला, पुदीना अदरक और बीटरूट और गाजर लिया, कल आंवला ले लूँगा या फिर पापा को बोल दूँगा तो पापा लेके आएंगे, अपने ऐसा मिक्सर है।
तो मिक्सर में कैसे जूस निकालते हो अगर तुम लोग पता रहेगा तो बता देना, और मैं को ढूंढ लूँगा। बाकी जूस पीते मम्मी कर दिए, मम्मी आ गई वैसे तो, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है करता हूँ मैं, बातें बात करते। पूरा लाल लाल ऐसा लग रहा है कि ये, लेकिन बोल नहीं सकता मैं, खाना है। तो बन गया अपना बेटर, बराबर एक गिलास निकल गया, एक गिलास में इतना था कम, मम्मी को भी इतना था पिलाया। मम्मी थोड़ा नाटक कर रही थी, नहीं पूंगी नहीं पूंगी करे, क्योंकि टेस्ट पता ही रहता ना, हम क्या चीज़ों को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं रहेगा। तो कभी भी कुछ चीज़ पीने का रहेगा, करने का रहेगा ना, वो हो कैसा रहा है उस पर ध्यान मत दो। अगर वो सेहत के लिए अच्छा है तुम्हारे, तुम्हारे जीवन में कुछ ला रहा है अच्छा, तो फिर उसको कर लो बिना सोचे, ओके। लेकिन दूसरों का भी खुशियों का ध्यान रखना। अभी पीते हैं इसको, तीखा क्यों लग रहा है, अदरक की वजह शायद, ये अच्छा बनाया। हाँ कल अदरक लाऊंगा, कल सर अदरक बोल रहा हूँ, आंवला लाऊंगा, आंवला लाऊंगा, मस्त हो जाएगा। अदरक थोड़ा कम डालना पड़ेगा लगता है, क्योंकि और गाजर का थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्वांटिटी, थोड़ा तीखा है। मेरी मम्मी कैमरा मैन है। हे प्रभु नारायण, धन्यवाद इसके लिए। हाँ ठीक है पी लिया, आज संडे भी है तो आज जो है थोड़ा इस तरफ से भी थोड़ा सा ले लो अभी, तो आज जो है तकिया, तो आज जो है संडे है, और संडे को हमारा आता है वन पीस, वन पीस का फिफ्थ गियर भी आ चुका है, मतलब वन पीस का बोल रहा हूँ, लूफी का फिफ्थ गियर भी आ चुका है, वो देखते हैं एक एपिसोड, वो देखते हैं। और बाल तो काटा ही है ये, तुमको पता ही है, बता दिया है। तो आप लोग, आप लोग नाश्ता चाय पानी जो भी करना हो सब करो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी ये चीज़ करने वाला हो वो करो। अब तक मैं लिखता हूँ वन पीस का एपिसोड, 1073 या 74 ऐसा कुछ था एपिसोड, तो देखते हैं। चलो बाय, मस्त था, एक दिन बचा, अच्छी चीज़ें पीने अच्छा लगता है। इसी तरह से अब मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले आज संडे था जैसे मैंने बोला, वन पीस का एपिसोड था, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था, मुझे वो अच्छा लगा। तुम लोग को भी अच्छा लगा या नहीं लगा मुझे बताना कमेंट्स में, अगर तुम लोग वन पीस देखते हो तो। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था, और अगर किसी को नया कुछ एनिमे देखना है तो एक सजेस्ट करता हूँ मैं, देखना द ग्रेट टीचर ओनेजुका या गोल्डन बॉय करके मैंने पहले ही बताया एनिमे, ये दो एनिमे हैं, 12 एपिसोड के, 13 एपिसोड के रहेंगे शायद, एक 50 एपिसोड के रहेगा। तो तुम लोग देखो, बहुत अच्छा है, लाइफ के ऊपर है और इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी भी है, तुमको अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ब्लॉग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, और प्यार दो सबके साथ, प्यार बांटो, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण बोलो, बाय।